कामयाबी है कि उसने रोज़े अव्वल इंसान को
को समझा दिया कि ये हमारा इख्तियार है कि हम तुमको जबरन मुसलमान करें, मगर इख्तियार रखने के बावजूद, खालिक और मालिक होने के बावजूद, हम तुम्हें जबरन मुसलमान भी नहीं करना चाहते। आज दुनिया अगर समझ जाए इस बात को, आप यकीन करें, अगर आज की दुनिया समझ जाए, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप गैर मुस्लिम हो, चाहे आप शिया हो, चाहे शियों में किसी मकतबे ख्याल के मानने वाले जो न हो, कितना ही अजीज क्यों न नजरिया हो, कितना ही ज्यादा आपके नजदीक मोहकम क्यों न हो, लेकिन जब तक दलील के दायरे में वो बात साबित न हो जाए कि वाकई ये बात पुख्ता है, उस वक्त तक किसी को इजाजत नहीं है कि अपने ख्याल को, अपने मकसद को, अपने नजरिए को, अपने दीन को, अपने मजहब को किसी के ऊपर थोप सके। चाहे हमारे ही हैं दोनों लोग, जैसे भी लोग हो, अब इजाजत नहीं है जनाब जी, लिबास बदल बदल करके आइए, मौला का नाम लीजिए और उसके बाद जो चाहिए कहिए। यहीं से पता चलता है इसके सामने जो इसकी किताब होना चाहिए वो किताब है ही नहीं, तो यही चोर पकड़ दिया। जब खुद कुरान का मुतालिया नहीं है तो फिर आगे आपसे क्या मजहब के नाम पे बात की जाए। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले, जिम्मेदारी आपके ऊपर है, मैं तो आपके हवाले कर रहा हूँ जो सुना हुआ है। मौला पैदा होते ही फरमाते या रसूल अल्लाह कौन सी आसमानी किताब सुनाऊं, तो आपसे भी तो यही मुतालिबा है कि आप सुनाइए नहीं, मगर ये इतना तवक्को तो है कि पलट के देख तो लीजिए वो घर में जो किताब रखी हुई है, किस चैप्टर में मौलाई लिखा हुआ है हमको दिखाइए। पैगाम है ताकि हम गुमराह ना हो सके मौला के नाम पर। उलमा को शुरू किया तो उसके बाद शुरू से आखिर तक ऐसे लगा जैसे पड़ोस में किसी से कोई झगड़ा था और आज इंतकाम का वक्त आया, जो मुंह में आया। आप होते कौन है, कई किताब आपने पढ़ी है, किस हदीस की किताब का मुतालिया कर लिया आपने, कौन सी तफसीर उठा करके देख ली। बहुत अगर आप हिम्मत करेंगे तो यही कहेंगे तर्जुमे की मदद से हमने वो किताब, वो भी जो दुआ के नाम पे छपी थी, तवज्जो चाहूंगा। तो आपको क्यों इख्तियार दे दिया जाए कि आप पूरे पूरे मजमे को गुमराह करें, जब पैगंबर को इजाजत नहीं है बिल हिक्मा दलील के जरिए से। पैगंबर मस्जिद में तशरीफ फरमा है, ईसाइयों का पूरा टोला आ गया, पैगंबर से मिलना चाहता है, बहुत तवज्जो चाहूंगा, मगर ये जो आए हैं कहते मैं रूहानी हूं, पादरी हूं, उसको हूं और हूं। पैगंबर को बताया गया कि वो ईसाइयों के बड़े बड़े आलिम राहिब, राहिब मतलब क्या होता है, जो दुनिया से दूर, इसके दिल में दुनिया की मोहब्बत ना हो। आए हैं कैसे, इन्हराब का पता लगाइए, पैगाम हुसैनी समझने की कोशिश कीजिए, आपको पता चलेगा कितनी गहराई है और बातें कहां कहां से पहुंच जाती हैं। देखिए नाम रूहानियत का है, नाम लिल्लाहियत का है, नाम मजहब का है, नाम लीडरशिप का है, वो पूरा डेलीगेशन है, आए हैं ताकि अपने लोग की तरफ से पैगंबर से मुलाकात करें, गुफ्तगू करें और ये समझे सच्चा है या झूठा है, पलट करके जाएं, अपने लोग को अमानतदारी से बताएं, कहे जाते हैं मैं राहिब हूँ, मैं पोप हूँ, दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। बहरहाल
करते थे कि हाँ ये हमारा आलिम है, ये हमारा राहिब है, जाहिद है। अब वहां से जब आए पैगंबर की खिदमत में, इस्लाम के बाणी की खिदमत में, तो क्या पहन करके आए? कीमती लिबास। आज भी पोप साहब जो वेटिकन में बैठे हुए हैं, जब आप उनका लिबास देखिएगा तो दुनिया के बड़े बड़े सियासतदान जो 5 और 4 और 10 और 20 लाख का पहनते होंगे, शायद उससे कहीं ज्यादा ही उठा लिबास। ये पोप है, आज के पोप वही। लेकिन इस्लाम के बाणी ने बर्दाश्त नहीं किया। हो गए तुम मुलाकात नहीं हुई, कहां से नजरान से आए हैं, हवाई जहाज का टिकट लेकर के आए हैं, बड़ा पैसा खर्च किया, ये मैं 9 मिनट के टिकट लिया था। आप खास नहीं जानते, कैसे खास डाले इसे तो फिक्र बनाना है, इसे तो तुम्हें भी सुधारना है। ये फकत मुसलमानों के लिए नहीं आया है। अब मदीने में इनके पास हमने तो बहुत अखलाक का चर्चा सुना था, बड़े अच्छे नबी हैं आपके, बहुत मेहरबान हैं, बड़े मोहब्बती हैं, हमने तो सब उल्टा देखा। किसी ने कहा क्या बात है, समझते चाहूंगा मैं आपकी, कहा ऐसे ऐसे कहा गए कैसे थे इसी लिबास में, कहा इसको कर हटाओ इसको, इसका मतलब रहबर की फिक्र भी गलत हो सकती है। लीडरशिप भी कभी गलत रास्ते पर जा सकता है। कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई जमानत नहीं है, किसी की किस्मत का वादा नहीं दिया गया है, किसी भी मसलक और मजहब का जो न हो, जो चाहूंगा मैं उतारू इसको, अब जाओ। जो तारीख ने नकल किया है वो आपके जहनों में है, लेकिन हम समझना चाहते हैं कि वाकई करबला में कहां से इमाम हुसैन का किरदार और इनका मकतब रसूल खुदा के किरदार और मकतब से मिलता है। हम इमाम हुसैन को रसूल खुदा से जुदा नहीं देखते, और ये मुसलमानों की भूल है, उन्होंने दोनों में तकसीम कर दी, लिहाजा बांट लिया। इमाम हुसैन इनके हो गए, रसूल खुदा उनके हो गए, रसूल खुदा को भी बांट लिया अपनों में, थोड़ा सा उनके, थोड़ा सा उनके, थोड़ा सा उनके, मुकम्मल रसूल खुदा कहां है पता ही नहीं चलता। अब दरे अहले बैत को याद करो, तवज्जो चाहूंगा मैं आपकी, अब दरे अहले बैत को याद करो। इसीलिए पैगंबर ने जाते जाते अली के हाथ में तुम्हारा हाथ देना चाहा था, मगर तुमने तारीखी गलती की, अब जिंदगी भर भुगतते रहो। उतार लिया, आप पैगंबर की खिदमत में पहुंचे तो आंखें बिछा दी, आइए तशरीफ लाइए, अरे ये वही पैगंबर, 3 दिन हो गया, 4 दिन आपको मिलने नहीं दिए, आप क्या कहते हैं, आपका कहना क्या है? तो कुछ नहीं, अल्लाह एक है, कोई फलसफा नहीं बयान हुआ, अल्लाह एक है, हम उसके रसूल हैं। ईसा के बारे में क्या ख्याल है, तुम्हारा क्या ख्याल है, तवज्जो चाहूंगा, तुम्हारा क्या ख्याल है? वो तो अल्लाह के बेटे हैं, वो अल्लाह के बेटे हैं, और अल्लाह ने उनको पैदा किया। कहिए बताओ, वो अल्लाह के बेटे हैं, ये नजरिया कैसे कायम हुआ, वो कैसे अल्लाह के बेटे हैं? दलील सुनिए, इसलिए वो बिला बाप के पैदा हुए, पैदा हो मान अल्लाह उनके ख्याल में हो सकता है, आदमी गलत फिक्र है, हो सकता है ना समझ पाए, लिहाजा हो अल्लाह के। फौरन पैगंबर ने कहा, तो ईसा से पहले तो आदम को अल्लाह का बेटा होना चाहिए, ना बाप थे ना मां थे। अब
वो लाजवाब हो गए। अब जवाब उनके पास नहीं था, पैगंबर से मुख्तलिफ गुफ्तगू हुई और पैगंबर की बातों से वो मुतमईन हो गए। मैं यहां तक आपको लाया हूं, ये बातें आपका सुना हुआ है, अब आगे सुनिए। मुतमईन हो गए, पैगंबर को जवाब नहीं दे सके। कौन थे? कौम के नुमाइंदे थे। कौन थे? साहिद आबिद थे। कौन थे? कौम के मोतबर थे, मोहतमद थे, सब कुछ थे। पैगंबर की बातों से मुतमईन भी हो गए, जवाब भी नहीं बन पड़ा। अब जब वापस हुए तो एक इंसाफ पसंद ने कहा, क्यों नहीं रसूल खुदा की बात मानी? उन्हीं में से तारीख में नकल किया है, कहा अगर मान लें तो जो हमको कौम की तरफ से खिराज मिलता है उसका क्या होगा? मैं आपको लाया हूं ताकि आप उससे बेहतर समझ सकते हैं कि कैसे गुमराही मजहब में आई और कैसे गुमराही मजहब में पैदा होगी। आज सवाल है सारे जवान, ये कैसे हो सकता है कि एक आलिम गलत रास्ते पर चला जाए, एक दानिश्वर, एक रूहानी पेशवर? ये तारीख इसीलिए नकल हो रही है। सब कुछ हो सकता है अगर दुनिया दिल में आ जाए, पर यही वाकया, यही हादसा पैगंबर की वफात से पहले शुरू हो चुका था। जो लोग पैगंबर के बाद मसनद इल्म पर आए, आपने समझा पैगंबर का मोतमद है, पैगंबर का मोतबर है, पैगंबर का साथी है, पैगंबर का सहाबी है, ये झूठ नहीं बोल सकता, ये जाहिद आबिद है, सब अपनी जगह। लेकिन जब उनकी तह में आपने जा करके देखा तो रसूल खुदा नहीं थे, कुरान मजीद नहीं था, आयत कुरानी नहीं थी, अल्लाह नहीं था, फकत दुनिया थी। जब दुनिया आई तो रसूल खुदा के नाम पर अपने हाथ पर अपने लिए पहर शुरू हो गई। इमाम हुसैन महसूस कर रहे थे, अहले बैत महसूस कर रहे थे। अब आप भी कहेंगे तो उस वक्त क्यों नहीं आ गए? हर जगह आपकी तरह से अगर इमाम सोचने लगे तब तो मकतब जाया और बर्बाद हो जाए। हम दुनियावी ऐनक लगा के देखते हैं तो हर चीज हमें घाटे की दिखाई देती है, लेकिन अगर दुनिया इतनी अहम होती तो यकीनन मौला कायनात को कूद पड़ना चाहिए था उसी वक्त, पैगंबर के लाशे को वो भी छोड़ देते। नहीं, अली के गले में रस्सी बंधी, इमाम हसन इमाम हुसैन नहीं थे, सलमान फारसी नहीं थे, मकदाद नहीं थे, अबू दर नहीं थे। पहचानिए असली शख्सियतें जो अहले बैत से वाबस्ता रहे। हो सकता है कि मेरी जबान में उतना ज्यादा दम ना हो के बात को मैं पहुंचा सकूं, लेकिन जितना समझ रहा हूं आज की दुनिया में शियत अपने मरकजी नुक्ते से दूर होती जा रही है। तवज्जो चाहूंगा मैं आप, मौलाए कायनात खुद मौला मौजूद है मगर सलमान की हिम्मत नहीं होती, तमाशा देख रहे हैं, गले में रस्सी। दीगर असाब भी मौजूद, इमाम हसन इमाम हुसैन भी मौजूद। मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर आपको मकतब अजीज होगा तो मकतब की फिक्र करेंगे, अपने अपने खानवादे की फिक्र नहीं करेंगे। बहुत मजलिसे हमें बसीरत नहीं थी, बहुत सारी बातें किताब में हमें नहीं मिलती, लेकिन जब मिंबर पर आते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई जबान खुद ब खुद खोल रहा है। मैं यहां तक लेकर के आया हूं तो एक मैं शहीद मुजाहिद से वाक्य नकल करना चाहता हूं, जब मटा सलावत पढ़े मोहम्मद वाले आपकी बता दू, एक हकीकत है इस्लाम में
लेकिन इतनी ही नहीं कि जितना आवाम के अंदर उसकी अहमियत है। ये पहले मैं तमहीदन बता दू ताकि शुबहा पैदा ना हो, तो आप भी ख्वाब देखना शुरू कर दें उसके बाद दौड़े चले हैं वहां ताबीर बता दीजिए, तो ये भाई पॉसिबल नहीं है और न देखिए तो अच्छा है। बच्चा सलवार जवाब नहीं और उन्होंने खुद जहां इल्म की खिदमत की है और उनकी फिक्र और किताबों ने मौजूदा दौर न जाने कितने मग़्ज़ पैदा किए हैं जो इस्लाम फहमी का शमूर रखते हैं। शहीद मुतारिक वो है कि हजरत इमाम खुमैनी ने, कि जो आप जानते हैं मुज्तहिद और मुख्तार ये लोग ऐसे नहीं बोलते, हर जगह नहीं बोलते, हर एक के बारे में नजर नहीं देते। अगर हम अपने मुज्तहिद को समझ जाएं बखुदा तो शायद इमाम के बारे में भी हम कुछ आगे बढ़ सकते मारिफत के इतबार। इमाम खुमैनी ने किसी की किताबों के बारे में, कितने बड़े बड़े आलिम थे, किसी की किताब के बारे में, किसी की लिखी हुई चीजों के बारे में ये जुमला नहीं कहा है कि मुतहरी की सारी किताब इस्लाम की नुमाइंदगी करती है, सारी किताब। और मैं अपने जवानों को वसीयत करता हूं, नसीहत करता हूं कि मुतहरी का लिटरेचर पढ़ें जहां मिल जाए। ये शेख मुतहरी आपको मालूम है 7 या 8 घंटे सोना, जागना, खाना पीना, नमाज वगैरह, बकिया सिर्फ मुताले में। और आप ये ना समझिएगा कि मैं खुदा न खास्ता पढ़ा करके यहां पेश करना चाहता हूं, बल्कि थोड़ा सा खटा के ही मैं कह रहा हूं। शेख मुतहरी एक एक लिटरेचर को जिसे आपके सामने पेश करना होता था हमारे सामने, कहते थे मैं 3-3 मरतबा पढ़ता था। लिटरेचर का मतलब यहां 4 पन्ने नहीं है, सफ़े नहीं है, पूरी पूरी किताब। कहते थे 1 मरतबा पढ़ता था, इसमें है खत्म करके उसके बाद दोबारा फिर पढ़ता था ताकि उससे लिख सकूं, सिवाया फिर पढ़ता था ताकि मैं उसको मिलाऊं कि कहां तक मैंने जो किताब में लिखा है समझा और सही मुंतकिल किया। एक दिन मजा रहा, मगर इसके बावजूद आप मजलिसों में शिरकत करते हैं, हजरात बाराबंकी से तशरीफ लाए, आप लखनऊ चले जाते हैं 40वें में शिरकत करते हैं, दूर दूर से हमारी नीयतों को साफ होना चाहिए। बखुदा मैं अब हिम्मत से कहता हूं अपने लिए भी आपके लिए भी, अब थोड़ा सा अपने को इन बातों से दूर कर लें कि हम उनके लिए जाएं, उनके 40वें में शिरकत करें, नहीं जाएंगे तो शिकवा और शिकायत होगा, इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये भी उसी दायरे में आ जाएगा अगर हमारी निगाह बुलंद हो जाए, अगर हमारी नीयतें अल्लाह तक पहुंच जाएं। शहीद मुतहरी जैसा लिखने पढ़ने सोचने वाला आदमी मगर मिंबर से गाफिल नहीं थे, इनकी मजलिसों में शिरकत करते हैं। लिहाजा एक जगह शहीद मुतहरी ने नकल किया कि मैंने एक दिन ख्वाब देखा, लेकिन मैं खुद ताबीर नहीं निकाल सका। उस वक्त में एक हाज अहमद नाम के बुजुर्ग थे, बोले बोला नहीं थे, पाको साफ आते थे। कहते अक्सर हम देखा करते थे आयतुल्लाह गुजरती मरजे वक्त, अपने जमाने के शिया मरजे वक्त सारी दुनिया, वो जब कोई ख्वाब देखते थे तो हाज अहमद से ताबीर लेते थे। देखिए अहले इल्म अहले इल्म को पहचानता है, मुज्तहिद होना और है, मरजे वक्त होना और है, लेकिन ताबीरात ख्वाब और बाद इल्हामी मसाइल का हल जिससे निकल सकता है उसके पास जाना, उससे लेना, ये अहले इल्म का काम है।
कहते मुझसे तो मुझे याद था, मैंने उनको फोन किया, आर्य अहमद को फोन किया और मैंने कहा कि मैंने ये ख्वाब नहीं लिखा हुआ है, फिर मैंने ख्वाब देखा है। जब मैंने उनसे बयान किया तो उन्होंने फौरन मुझसे कहा कि इसकी ताबीर ये है कि मिंबर पर जाना और बयान करना जब तक जिंदा हो तर्क न करो। मिंबर तर्क ना करो। शेख मुतारी फिर लिखते हैं कि मैं नहीं समझ सका कि उन्होंने कहां से समझा, ये लफ्ज लिखा हुआ कि मैं नहीं समझ सका कि हाज अहमद ने कहां से समझा। अलबत्ता वो जमाना था कि मैं कुछ वजहों से मिंबर से दूर हो चुका था और मिंबर पर नहीं जाता था। सुना आपने, इतना जिम्मेदार आदमी मगर मिंबर को तर्क। अगर उलमा मिंबर पर आने लगे और आप उलमा को भी मिंबर पर आने की ज्यादा से ज्यादा इजाजत देने लगे तो कम से कम गुमराहियां होंगी। और क्योंकि अगर प्रोजर्जी का नाम आ गया तो वो भी सुन लीजिए, क्योंकि ये बात याद आ गई है जिम्मे में, हो सकता है फिर भूल जाओ। ये उतारी ना तो करते हैं ये जो ख्वाब मैंने देखा था, ये वाला जो अभी नकल किया, ये मुहर्रम के आसपास की बात थी और ख्वाब की तारीख क्या निकले, मेंबर तर्क ना करो। खैर मेंबर जाना शुरू कर। अब वो एक जगह कहते हैं कि हम लोग तो आगे प्रोजर्टी के शागिर्दों में से थे और आगे प्रोजर्टी के दर से खारिज में इश्तिहाद की क्लास में शिरकत करते थे। हम ये जानते थे कभी जब प्रोजर्ट में ईरान का एक शहर है आगे प्रोजर्ट जब वहां थे तो कभी कभी मिंबर पर जाया करते थे, लेकिन मर्जे वक्त और मिंबर पर भी जाके वजू नहीं करते। लेकिन ये भी हमारे इल्म में था कि आगा मुस्तकिल तौर पर हम लोगों की तरह से मिंबर पर नहीं बयान करते कि हमेशा मिंबर पर दाखिल करते हो, लेकिन जब अपने शहर में थे तो कभी कभी। एक दिन मैंने देखा, आपने देखा कि जैसे बहुत बड़ा मजमा, जैसे दर्श का मजमा होता है, और ऐसा उस ख्वाब में महसूस हो रहा है कि आगे प्रोजर्टी तशरीफ लाने वाले हैं और अभी मिंबर पर जाकर के दर्श शुरू करेंगे। आप जानते हैं जो बड़े बड़े दर्श होते हैं वो मिंबर पर होते हैं और मस्जिद और इमामबाड़ों में होते हैं। अगर आप उम में जाएंगे, नजफ में जाएंगे तो जितने बड़े क्लासेस हैं मुश्तहदीन के उमूमन इमामबाड़े और मस्जिद में होते हैं, और मुश्तहिद हमारा मिंबर पर बैठ करके क्लास लेता है और बड़े बड़े उसके शागिर्द जिसमें न जाने कितने मुश्तहिदीन तशरीफ फरमा होते हैं। तो कहने ऐसा उसमें लगा कि अभी आगे प्रोजर्टी तशरीफ लाने वाले, बस देखते ही देखते देखा कि वाकई आगे प्रोजर्टी। अब पूरा मजमा, अब आप समझ लीजिए हजारों का मजमा हो और बुजुर्ग शख्सियत जब आ रही हो तो सब एक बार की एहतराम के लिए पूरा मजमा। फिर मैंने भी अपने को चाहा कि एहतराम के लिए उठूं, लेकिन जैसे ही उठना चाहा मेरी रेदा मेरे पैर में फंस गई और मैं नहीं उठ सका। किसी सूरत से मैंने अपने को घसीटा, पीछे किया कि कम से कम दूसरे जो पढ़ रहे हैं वो जाए। मैंने अपने को थोड़ी देर के बाद क्या देखा कि आगा आगे गुरुजर्दी मेरे ही बगल में किनारे आकर के बैठे। खुद तो चाहूंगा मैं आपकी, कहते मैं उनका शागिर्द रह चुका था। जल्दी से हाथ का भूसा लिया, फिर वो खुद बताते हैं कि आप जानते हैं कि ख्वाब में प्लाट बदलते रहते हैं, सीन बदलता रहता है। अचानक मैंने देखा कि जैसे एक बहुत साफ सुथरी नहर है, गुजरती वहां तशरीफ फरमा है और हाथ पानी के अंदर डाल करके और अपने चेहरे पर जैसे वुजू करना चाहते हूं, मगर इतना फर्क है कि अतराफ का उन्हें पता नहीं कि उनके बगल में क्या गुजर रही है। मगर एक लफ्ज निहायत इस्तेवराह के आलम में, हाय हुसैन हाय हुसैन, एक
और पानी उठाते हैं और अपने चेहरे पर डालते हैं। मैं देख रहा हूं। उसके बाद फिर सीन बदला और वो कहते हैं कि मैंने सुना कि आगा जैसे कह रहे हो कि हम वायस लोग। मुझे हैरत हुई कि आगा कब से वायस हो गए, कभी कभी मिंबर पर जाते थे मगर कह रहे हम वायस लोग। आंख खुल गई, मैंने एहसास किया मुहर्रम नजदीक है। जैसे मुझे पैगाम दिया जा रहा है मुतहरी, हुसैनियत के जिंदा करने का इससे बेहतर वक्त नहीं। अरबाब मजलिस, ये है मिंबर, ये है आपकी अजमत जो आप मिंबर पर तशरीफ लाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं अगर एक शेर भी कोई पढ़ सकता हो तो उसे कंजूसी नहीं करना चाहिए। पढ़ने का अलग सवाल, सुनने का अलग सवाल। मेरे बुजुर्गों, ये आम दावत है, ये आम दावत है। अगर कोई मिंबर पर आ सकता है, सलाहियत है, बैठ सकता है, तो उसे मिंबर से दूर नहीं रहना चाहिए। हाँ, इस एहतियात के साथ कि जब आपको इजाजत दी गई है तो पहले से तैयार भी तो हो। बस अरबाब मजलिस, आज बस इससे ज्यादा मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। गर्मी भी बहुत है। इमाम हुसैन का पैगाम सारी दुनिया के लिए, खुसूसियत से हम शीनों के, एक ऐसा पैगाम जिसमें हमारी रूहानी जिंदगी, एक ऐसा पैगाम जिसमें हमारी फिक्र की चेला पाई जाती है, ऐसा पैगाम जो कयामत तक हमारी नस्ल के लिए जमानत नजात और हिदायत है। शहादत इमाम हुसैन बहुत अजीम चीज है। हम जैसे लोग समझने की सलाहियत नहीं रखते। हम लोग तो तारीख के अतराफ में घूम और टहल के चले जाते हैं और उसकी तह और गहराई में नहीं। बुजुर्ग उलमा का काम, ये साहिबान इरफान का काम, ये आरिफीन का काम है जिनके अकवाल मौजूद हैं कि अगर पूरा दिन पूरी रात इमाम हुसैन के ऊपर गिरिया करने का मौका मिले तो सारा काम छोड़ के फकत गिरिया करो। वो समझते हैं इससे नजदीक तो ये गिरिया यूं ही नहीं है, फिर आज भी बहुत कुछ ले रहा है और लेता है। करबला में दो गुलाम जिनका अहले बैत से कोई ताल्लुक नहीं, बाहर से आए मगर अहले बैत के घराने में आने के बाद कुछ सिफतें उन्होंने अहले बैत से ऐसी ले ली कि आज करबला की तारीख में वो जिंदा है। कहता हूं वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी जात और किसी नस्ल का भी हो, करबला में ऐसे ऐसे नमूने हैं, ऐसी ऐसी मिसालें हैं कि जो इमाम हुसैन से किसी तरह से हसब नसब घराने के एतबार से, जोग्राफिया के एतबार से कोई ताल्लुक नहीं रखते थे मगर वैसे ही सोचने लगे जैसे अली अकबर सोचते थे, वैसे ही सोचने लगे जैसे आसिम सोचते थे। एक गुलाम गुलाम तुर्क, ये रोम के रहने वाले थे, रोम मगरिब का हिस्सा कहा जाता है, और खरीदे गए थे, खरीदो फरोश होती थी उस वक्त, ये भी खरीद करते आए। जब करबला का मार्का सरगर्म हुआ तो इमाम की खिदमत में आए और कहा आकर अब मुझे भी इजाजत दी। इमाम ने कहा नहीं, तुर्क तुम्हें इजाजत नहीं। उसने कहा था मैंने आपकी खिदमत की और उस खिदमत के सिले में आपसे दुनिया नहीं मांगता, लेकिन फिक्र कैसे चेंज होती है मेरे आका, फकत शहादत।
का हाथ अच्छा है। जॉन कर्बला में आए, तुर्क कर्बला में आए और उसके बाद बाकायदा जंग की और जंग करने के बाद शहीद हुए। इमाम सरहाने पहुंचे और सरहाने पहुंचने के बाद सर अपने सरहानों पे रखा। आपको तारीख में मिलेगा इस गुलाम ने खून आलूद आंखें जब खोली तो इमाम के चेहरे पे नजर पड़ी, फकत एक मुस्कुराहट आई कि मैं कहा और मेरा सर कहा। और एक और गुलाम जिसको जॉन कहा जाता है, ये अबू दर का बामारफत गुलाम था कि जिसे अबू दर ने आजाद कर दिया था। बहुत तवज्जो चाहूंगा मैं आपकी, अबू दर ने आजाद कर दिया था। एक गुलाम के लिए बहुत बड़ी बात यह थी कि 10 साल 20 साल खिदमत करने के बाद उसका आका उसे आजाद कर दे। अबू दर ने आजाद कर दिया था मगर ये तैयार नहीं हुए अहले बैत की खिदमत में आ गए। आका मैं आपका दरवाजा छोड़ करके नहीं जाना चाहता, हमें आपकी गुलामी दुनिया की आजादी से कहीं ज्यादा मुकर। आगे बड़े फनकार थे, ये असलहों की रिपेयरिंग करना जानते थे, साफ सुथरा करते थे, बनाते थे। कर्बला में बहुत अहम रोल है इनका, इमाम हुसैन सलाम को जरूरत थी ऐसे शख्स। एक खैमा है जिसमें जनाब जॉन बैठे हुए हैं शबे आशूर, उनका काम ये है कि एक एक असलहे को वो दुरुस्त कर रहे हैं। इमाम के लिए तीर तलवार नैजा मार्केट का आजाद गर्व हो। एक एक सहाबी शहीद होने लगा। जॉन की आंखों के सामने मंतर है। जॉन हबश के रहने वाले हैं, सियाफाम हैं, पसीने से बू आती है, समाज में कोई हैसियत नहीं है, मगर दिल में हरारत है कि हुसैन हमारा आका है। बस मैंने जहमत तमाम कर दी। आए और आने के बाद हाथ जोड़ करके कहने लगे, मेरे आका मेरे सैयद आपकी मजलूमियत देखी है, अब मुझे भी इजाजत दीजिए। जुमला सुनिए, इमाम ने कहा जॉन जॉन तुमको आजाद कर दिया गया मगर फिर भी तुम हमारे घर से नहीं गए, तुम जा सकते थे। अब तुम्हारी, ये जुमला है तारीख का, अब तुम्हारी आकाई का वक्त है, जाओ और तुम आकाई करो। कहा मौला आप मेरे आका है, आपको छोड़ करके मैं आकाई नहीं करना चाहता, आका मुझे इजाजत दीजिए। तारीख में लिखा है इमाम इजाजत नहीं देते, देर लगाते हैं। जॉन ने जब देखा कि हुसैन इस तरह हमें इजाजत नहीं देंगे तो पैरों पर गिर गए, पैर चूमने लगे, हाथ चूमने लगे, माथा चूमने लगे। इमाम ने देखा जॉन हमसे जाने वाले नहीं है, कहा जॉन जॉन अरे बस करो जॉन, अब दिल को इतना न बनवाओ। कहा आका बस आखिरी तमन्ना ये है कि हमें इजाजत दे दीजिए, बच्चों की आवाजें और अपनी सुनते सुनते कर गया हूँ। एक मरतबा फिर इमाम ने देर की, एक जुमला कहा मेरे मालिक, वो
लोग दुनिया से गुजर गए हैं उनके ऊपर रहमत और मगफरत नाज़िल करना, हम सबकी परेशानियों को दूर करना, इस मुल्क में अमन अमान पैदा करना, उलमाए आलम का साया हमारे सरों पर कायम हो जाए, परवरदिगारा हमें सच्चा इमाम हुसैन का पैरोकार बना सके। ए मेरे मालिक, हमारे जवानों में इल्म अमल का जज्बा पैदा, हमारी औरतों में इफ्फत व पाकदामनी पैदा, हमारे बुजुर्गों में वकार पैदा, हमारे इमाम को हमसे मिला और हमारे रफ्तार और किरदार से पूरा दिन जमात में खुशहाल। Yeah.
हमारे दोनों।